माई डियर स्टूडेंट, आई एम टीचिंग चैप्टर 9 फॉर क्लास 7 इन साइंस। नेम ऑफ चैप्टर इज सॉइल, अर्थात मिट्टी, मृदा। देखिए, वीडियो फर्स्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल, अर्थात मिट्टी के क्या उपयोग हैं। बच्चों, हम पहले से जानते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो 3 है, ब्रेड, क्लोथ एंड हाउस। ये पुरानी कहावत है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? सॉइल से ही तो मिलती है। जैसे एग्जांपल की तरह से रोटी, रोटी किससे? पेड़ पौधों से हमें फूड प्राप्त होता है, चाहे वो फ्रूट के रूप में, चाहे वो व्हीट के रूप में, ठीक है। इस तरह से कपड़ा, कपड़ा भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन क्लोथ है। जैसे कॉटन जो है, कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त होता है, उससे हम क्लोथ बनाते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे ही रहने के लिए जो है मकान, सॉइल के ही बने होते हैं, यानी ब्रिक्स जो है वो सॉइल की बनी होती हैं, और सॉइल पर ही हम अपना हाउस सिचुएटेड करते हैं। तो तीनों जो नीड्स हैं हमारी, हैं ये किससे प्राप्त हुई? हमारी सॉइल से। रोटी, कपड़ा और मकान किससे प्राप्त हुआ? सॉइल से। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर के लिए सॉइल इज एसेंशियल। बिना सॉइल के जो है वो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, पौधों को नहीं उगा सकते, क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट ड्रीव करती हैं किससे? सॉइल से, अर्थात पोषण लेती हैं किससे? मिट्टी से। तो एक तरह से उनके बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए सॉइल इज एसेंशियल। फिर है होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, अनेक जीवों का घर होता है। क्या है? अनेक जीव इसमें रहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म कहाँ रहेगा? सॉइल में रहता है बच्चों, मिट्टी में रहता है। क्लोथिंग मैंने आपको बताया दिया, शेल्टर, रहने की जगह भी मिट्टी में ही होती है। अनेक जीव किसी न किसी रूप में मिट्टी में ही रहते हैं। तो अब इतने सारे इम्पोर्टेंस होने के बावजूद हमें देखते हैं कि हम मिट्टी से सेपरेट नहीं सकते। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है सॉइल हमारी। तो मिट्टी को हम एक तरह से मदर की संज्ञा दी है, या धरती हमारी माता है, ठीक है। ऐसा लोग जानते हैं कि जैसे माँ एक बच्चे को बहुत कुछ प्रोवाइड कराती है, हैं, इसी तरह से सॉइल भी हमको बहुत कुछ प्रोवाइड कराती है। देखिए, अब सॉइल प्रोफाइल आप देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब ये है, जैसे कोई कुआ डिगिंग कर रहे हैं आप, वेल डिगिंग कर रहे हैं, तो उसमें देखें कि आपकी जो परत दिखाई देंगी वो अलग अलग कलर की, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की होती हैं। तो ये एक अलग अलग होती है, और ये सारी जो है एक तरह से जो हमारी लेयर हैं वो प्रोफाइल की, उनको नेम दिया गया है। दर अब इस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। बच्चों, ह्यूमस एक बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? कि हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु मरने के बाद डिकम्पोजर के द्वारा रोटन किए जाते हैं, सड़ा दिए जाते हैं, और वो एक ह्यूमस की उसे संज्ञा दी गई है, क्योंकि ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है बच्चों, इसलिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का निर्माण। बच्चों, कैसे? सॉइल इज फॉर्म बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, यानी चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। कि क्यों टूटती हैं चट्टानें? बाई एक्शन ऑफ द विंड, हवा की क्रियाओं के द्वारा, वाटर की क्रियाओं के द्वारा, एंड क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार इनका निर्माण होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। यदि वेदरिंग की डेफिनेशन आ जाती है तब भी आप यही लिखोगे, इस प्रोसेस का क्या नाम है? वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल, यानी कि मिट्टी की जो एक तरह से प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म, जिस चट्टान से मिट्टी बनी होती है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, और कैसी वेजिटेशन है इस मिट्टी पर, यानी वनस्पति कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, इस बात पर भी मिट्टी की नेचर डिपेंड करती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने और उस पर स्थित वनस्पति के आदि के द्वारा होता है, समझे नहीं? तो सॉइल चलंदा चलो सो वी कैन से
दैट सॉइल इज़ फॉर्म बाई वेदरिंग ऑफ द रॉक्स है एंड मिक्सिंग ऑफ द ऑर्गनिज एज ए वेजिटेशन एंड डेड ऑर्गनिज एक्सेट्रा, अर्थात मिट्टी का जो निर्माण है मेन चट्टानों के टूटने फूटने आदि से होता है बच्चों। अब ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अभी बात आती थी सॉइल प्रोफाइल क्या है बच्चों, एक ऐसे वर्टिकल कहते हैं इस टाइप का जो सेक्शन है तो उसमें जो है एक वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट, यानी कि एक वर्टिकल सेक्शन जिसमें हमें अनेक परत दिखाई देती है मिट्टी की, उसे क्या कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। समझे, ईच लेयर डिफर इन द फील, यदि हम देखें उसको महसूस करें तो हमें अलग अलग लेयर दिखाई देंगी बच्चों, टेक्सचर उसकी संरचना अलग अलग दिखाई देगी, उसका कलर अलग अलग दिखाई देगा, डेप्थ उसकी गहराई अलग अलग दिखाई देगी एंड केमिकल कंपोजिशन और रासायनिक कंपोजिशन भी उसका अलग दिखाई देगा। दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजोन, समझे, और इन लेयर्स को क्या नाम दिया गया हॉरिजोन। और जनरली बच्चों एक मिट्टी में 3 हॉरिजोन पाई जाती है, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन। ठीक है, तो ए जो हॉरिजोन है बच्चों सबसे अपर मोस्ट हॉरिजोन होता है, जिसका ब्लैक कलर होता है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है और ये सॉइल जो हार्ड नहीं होती, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, समझे, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉइल जो है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों। ठीक है, दिस प्रोवाइड अ शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गनिज, और अनेक जीवों को रहने की जगह भी प्रदान करती है, सच एज वॉर्म, जैसे चूहे वगैरह हैं बच्चों, ऐसी चीज़ें भी इसमें जीव रहते हैं, वॉर्म्स कीड़े मकोड़े रहते हैं, रोडेंट चूहे हो गए, हमें मोल्स हो गया, बीटल हो गया, ये सब जीव कहाँ रहते हैं, ये ए हॉरिजॉन में रहते हैं, ऊपरी परत पर रहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, और मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है इसी में जड़ धंस जाती है, समझे। अब बात आती है बी हॉरिजॉन की बच्चों, बी हॉरिजॉन में क्या होता है, बी हॉरिजॉन में एक तरह से ह्यूमस की मात्रा कम होती है बच्चों, लेकिन मिनरल्स यानी कि जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मिनरल कहलाते हैं बच्चों, और बहुत सारे होते हैं तो ये ज़्यादा होते हैं बच्चों, और ये हार्डर होती है पहली वाली से, ये सख्त होती है, मोर कम्पैक्ट और ज़्यादा एक तरह से जुड़ी हुई होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए तो बेटर नहीं है, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। सी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एक लास्ट हॉरिजॉन है, तीसरी लेयर ऑफ द सॉइल है, इट हैज़ स्मॉल लम्ब्स ऑफ द रॉक्स, इसमें यानी कि रॉक्स के चट्टान के बड़े बड़े जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, लम्ब्स होते हैं अर्थात ढेले होते हैं, विद क्रैक्स एंड क्रिवीज, इनमें दरार वगैरह या एक धब्बा वगैरह ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, समझे। तो ये सी हॉरिजॉन हो गया। बेड रॉक्स, यानी सी हॉरिजॉन के नीचे बिलो सी हॉरिजॉन इज़ द बेड रॉक, बेड रॉक पाई जाती है जिस पर कठोर चट्टानें होती हैं, समझे, और विच इज़ हार्ड, और इतनी सख्त होती हैं, सख्त भी बहुत होती हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पेड, और फावड़े वगैरह से उन्हें खोदना आसान नहीं है। अभी आप देखिए, मैंने अब इधर देखो बेटा, ये आप देख रहे हैं कोई ग्लास है, कांच का बना हुआ है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसको 75% यानी 3/4 पार्ट इसका पानी से भर लेते हैं, और इसमें एक मुट्ठी भर की मिट्टी डालते हैं, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आपको कुछ समय तक के बाद देखेंगे कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्लांट वगैरह ग्रोन कर सकते हैं बच्चों, और यहाँ नीचे पानी है इसमें, नीचे इसके बाद इसमें क्ले सॉइल है अर्थात चिकनी मिट्टी है जो ब्लैक कलर की पाई जाती है बच्चों, समझे, और इसके नीचे सैंडी स्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े पार्टिकल हैं, इसके मुकाबले सैंडी स्ट्रक्चर्स है बच्चों जिसका ब्लैक कलर नहीं होता, और नीचे ठोस ठोस पत्थर होते हैं, समझे, ग्रेवल्स कहते हैं। तो ये लेयर ऑफ द सॉइल को इंडिकेट करता है बच्चों, सबसे ऊपर बहुत बारीक ह्यूमस पाया जाता है, फिर वाटर है, फिर बहुत बारीक मिट्टी क्ले सॉइल है, फिर उससे मोटी मिट्टी है सैंड है, फिर सबसे ज़्यादा मोटी मिट्टी है यानी कि ग्रेवल, जैसे एक तरह से कंकड़ी कह सकते हैं आप, जो है बजरी कह सकते हैं, वो पाई जाती है। तो एक तरह से हर लेयर में एक जैसी मिट्टी नहीं होती, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप की सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
डायग्राम आ जाते हैं इनके बच्चों, ज़्यादा डायग्राम नहीं है, दो ही डायग्राम है इसमें मेनली, और ये एक तरह से हॉरिजॉन का चित्र है जो सबसे ए हॉरिजॉन है। आप देखिए इसमें ह्यूमस ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, प्लांट कल्टिवेशन के लिए सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी है। बी हॉरिजॉन जिसमें आपका एक तरह से बच्चों इसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, ह्यूमस कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर सी हॉरिजॉन है जिसमें आपको मोटे मोटे पार्ट्स ग्रेवल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और नीचे बेड रॉक है जिसमें मोटी मोटी चट्टानें हैं बच्चों, जिनको खोदना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से बच्चों आप डायग्राम भी ध्यान रखें कि ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है पेपर में, या ये भी आ जाता है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें बच्चों, इन पर निशान भी लगा लें, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो फर्स्ट, नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। थैंक यू बच्चों, वीडियो ज़रूर देखते रहें बेटे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं फोन वगैरह करके। थैंक यू।